मीटर घुमाया से आज कल लेक्चर में बेइज्जती तो नहीं रिकॉर्ड हुई थी लड़की आपको फील नहीं रही किसी की मैं खिंचाई कर रहे थे बच्चे चंगा नहीं हुआ रिकॉर्ड नहीं तो एंजॉय करते हैं बच्चे। अच्छा आ जाओ जरा आपको क्वेश्चन दिए हुए थे होमवर्क के तौर पर कितने क्वेश्चन दिए थे 5 किए कितने कितने किए 4 बड़े हैं बहुत है 4 और 3 किए किसी ने आपने कितने किए बेटा 1 किए ये तो सारे करने थे जी क्यों क्यों नहीं लिया तो तुम फिर तो रही थी कॉलेज में मैं अब तुम्हारी खिंचाई करूं तुम कॉलेज में लड़कियों के साथ सहरे तो कर रही थी हैं तो मेरी मर्जी आइसक्रीम ना खाऊं मेरी मर्जी तो नाल पढ़ो कितने सही ना पेपर तो मैंने तो नहीं ना देना पेपर तो आपने देना हाँ कितने मैंने क्या कितने किया एक भी नहीं किया तो चलो कोई और कर लेना यार 5 सवाल दिए थे चलो आओ मसले में सारे डिस्कस करें आज मेरा मूड नहीं गुस्सा करने का ऐसे गुस्सा करके सारा लेक्चर मेरा सारा दिन पढ़ाई लग रहा है। हाँ जी बताओ क्वेश्चन कौन सा पहला कौन सा किया है थे कौन कौन से क्वेश्चन बताना 1 क्वेश्चन 1 4 5 9 और 11 मैंने कहा था ये दोनों लाजमी करने हैं शायद 9 और 11 ना मैंने कहा था बाकी ये आपकी मर्जी है चलो और जरा डिस्कस कर लें जो क्वेश्चन आपको दिए थे 1, 4, 5, 9 और 11 हर एक में मैंने कहा था थोड़ा बहुत तो मसला होगा अब इनकम स्टेटमेंट बनानी है जिस बच्चे को इनकम स्टेटमेंट आती है उसके लिए आसान है जिसको फॉर्मेट नहीं आता वो परेशान होगा जी क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। अच्छा मैं हल नहीं कराऊंगा मैं इनमें से एक सॉल्व करवा दूंगा 11 में मसला है तो 11 करवा दूंगा ठीक और बस मैं ये पढ़ देता हूँ ताकि जिन्होंने ये नहीं भी किया रीडिंग करके उनको पता चल जाए कैसे करना रीडिंग से भी आधा के करीब सवाल समझ आ जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है हाँ मैं बताता हूँ आपको मैंने ये बताया था कि जब हम ये इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ये वाली इनकम स्टेटमेंट तो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से ये माइनस करके जो नेट प्रॉफिट लिखते हैं इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं असल में इसमें से अभी इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स लेस नहीं हुआ हुआ जब भी इंटरेस्ट और टैक्स से पहले वाला प्रॉफिट जो होता है ना उसका असल नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है लेकिन हमारे इसमें कॉस्ट में क्योंकि वो आते नहीं इसीलिए मैंने इसका नाम नेट प्रॉफिट रखा है अगर आप इधर वो लिखते ना लफ्ज ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो वो ठीक है वो गलत नाम नहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मीन्स कारोबार के ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करने के बाद लेकिन इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले कितना प्रॉफिट पीबीआईटी भी यही होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं ठीक है इसमें से अभी दो रकमें और लेस होनी है वो कौन सी इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स इसी को कहते हैं हाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट चलो भाई चलो जवानो आ जाओ जरा किधर के सवाल जी जनाब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं बाकी मैंने करवाना नहीं ये करवाना मैंने 11वां है आपसे मैंने होमवर्क दिया हुआ था तो उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ कम से कम पढ़ा तो होगा वो कहता है जी क्वेश्चन में फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर ईच मंथ कितने मंथ नजर आ रहे हैं फर्स्ट सेकेंड हर मंथ की सेपरेट बनानी है ठीक है इकट्ठी नहीं बनानी फॉर ईच मंथ का मतलब सेपरेट कौन से मेथड से बनानी है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और डायरेक्ट कॉस्टिंग डायरेक्ट कॉस्टिंग किसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग को कहते हैं ठीक है तो आपने पहले एब्जॉर्प्शन से इनकम स्टेटमेंट बनानी है फिर किससे बनानी है ये बात याद रखिएगा कि आपको क्योंकि 4 माह दिए हुए हैं तो मैं इस तरह 4 कॉलम अलग अलग बना लूंगा लेकिन टेबल में एक ही बनाऊंगा ये जब मैं 4 माह की अलग अलग कॉलम बनाऊंगा ना मंथ 1 का मंथ 2 का तो ये अलग अलग इनकम स्टेटमेंट ही बन रही है हर महीने लेकिन 4 अलग टेबल नहीं बनाने का टाइम बहुत ज़्यादा होगा ठीक है एक ही टेबल बनाना है जिसमें कितने कॉलम्स होंगे 4 इसी में सेल आएगी इसी में कॉस्ट ऑफ सेल इसी में सब कुछ तो डेटा उसने क्या दिया हुआ है कहता है यूनिट्स इन बिगिनिंग इन्वेंट्री जी ये क्या है यूनिट्स इन बिगिनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री
यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्शन यूनिट्स, यूनिट्स सोल्ड और यूनिट्स इन. मैंने कहा था यूनिट्स का डाटा मिसिंग हो तो आपको यूनिट्स निकालने पड़ते हैं, यहाँ डाटा पूरा है. बिगनिंग इन्वेंट्री नहीं थी, एंडिंग भी नहीं थी, जितना बनाया उतना बेच दिया. ये जो एंडिंग है ना पहले महीने की, ये अगले महीने की देखें ओपनिंग. जो सेकेंड मंथ की एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स हैं वो अगले महीने की क्या है, ओपनिंग. अब ऊपर डेटा क्या दिया हुआ है, कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू दिलबर एसोसिएट फॉर द 4 month पीरियड. नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्लांट इज 20,000 यूनिट्स पर मंथ. क्योंकि हमने सवाल मंथली सॉल्व करना है तो हम ये वाली ले लेंगे, कितने यूनिट्स की कैपेसिटी है और साल में देखें तो कितनी कैपेसिटी है. ये नॉर्मल कैपेसिटी क्यों दी होती है, हमने अब्सॉर्प्शन रेट में जो नीचे बेस रखनी होती है ना, बजटेड फिक्स्ड एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड कैपेसिटी की जगह वो नॉर्मल कैपेसिटी रख सकते हैं. नॉर्मल कैपेसिटी इज आल्सो रिप्लेसमेंट ऑफ बजटेड कैपेसिटी. ठीक है, ऑल्दो वैसे नॉर्मल में और बजटेड में थोड़ा सा फर्क है, अभी वो नहीं बताया, लेकिन नॉर्मल कैपेसिटी इज 20,000 यूनिट्स विच इज गिवन फॉर एफओएच या फिक्स्ड एफओएच के अब्सॉर्प्शन रेट. वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है आपको, मटेरियल भी है, लेबर भी है, और क्या है, वेरिएबल एफओएच भी है. फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पूरे साल के कितने हैं, और ये पर यूनिट भी दिए हुए हैं. ये जो पर यूनिट दिए हुए हैं ये अब्सॉर्प्शन रेट है. फिक्स्ड एफओएच जब पर यूनिट आ जाए तो ये अब्सॉर्प्शन रेट है. ये पता कैसे निकला हुआ है, 3 lakh की फिक्स कॉस्ट पर ईयर डिवाइडेड बाय पर ईयर 2,40,000. जरा कैलकुलेटर पे चेक करें तो यही आएगा, 3 lakh डिवाइडेड बाय 2,40,000. तो 1.25 आता है. किस कैपेसिटी पे निकाला हुआ है, नॉर्मल कैपेसिटी पे. ठीक है, समझ आती है आपको. तो ये ऐसे निकला हुआ क्योंकि ये पर ईयर है, तो 3 lakh डिवाइडेड बाय पर ईयर है तो 2,40,000 यूनिट्स की नॉर्मल कैपेसिटी करो तो यही आ जाता है जो क्वेश्चन में गिवन है. फिक्स्ड एफओएच का रेट पर यूनिट गिवन है, ये अब्सॉर्प्शन रेट है. जब भी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे हो, पर आवर हो, परसेंटेज में हो, तो ये अब्सॉर्प्शन रेट है बेटा. ये क्या दिया हुआ है, अब्सॉर्प्शन. कहता है कंपनी यूनिट्स और प्रोडक्ट को एज अ बेस लेती है. ठीक है, फिक्स मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 60,000 पर ईयर. 60,000 क्या है, मार्केटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं. हमें पर मंथ चाहिए तो पर मंथ कितने होंगे, 5,000. वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंस हर महीने के दिए हुए हैं, 3,400, 3,000 पहले दूसरे. ये इनकम स्टेटमेंट में कॉपी पेस्ट होंगे. कहता है एक्चुअल एंड अप्लाइड वेरिएबल ओवरहेड्स आर सेम. एक्चुअल यानी एक्चुअल भी इतने ही है, अप्लाइड भी है, तो इसका वेरिएबल एफओएच का कोई वेरियंस नहीं होगा. इस सवाल में वेरिएबल एफओएच का कोई वेरियंस, बल्कि ज्यादा सवालों में नहीं है. असल वेरियंस जो निकलना है वो एक ही में निकलना है इस चैप्टर में, फिक्स का. लाइकवाइज नो मटीरियल नो लेबर वेरियंस. कहता है इनका भी कोई वेरियंस नहीं है, यानी ये भी एक्चुअल दी हुई है, ये भी एक्चुअल रकम है, और ये भी रकम कौन सी है, और इसकी एब्जॉर्ब और एक्चुअल दोनों सेम है. मतलब इनका कोई वेरियंस नहीं है, कंपनी का कोई वर्क इन प्रोसेस भी नहीं है. सेल प्राइस 10 rupees पर यूनिट है, और बाकी ये डाटा आपको दिया हुआ है जो आपने मल्टीप्लाई करके इस्तेमाल करना है. इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि जनाब, वैसे ही पूछ रहा हूँ, हर महीने के फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब कितने आएंगे, वैसे अगर मैं हर महीने के वैसे वैसे पूछ रहा हूँ आपसे, मतलब पूरी स्टेटमेंट नहीं बना रहा, हर महीने के अगर मैं पूछूं फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब कितने आएंगे, कैसे निकलते हैं एफओएच एब्जॉर्ब, जितना रेट होता है पर यूनिट या पर आवर, रेट पर यूनिट हो तो इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन से जरब दे दें हर महीने की. इसकी एक्चुअल प्रोडक्शन 17,500, 21,000, 19,000 और, तो मेरा ख्याल है 17,500 × 1.25 क्या आएगा दूसरे महीने के, 250. पूरी स्टेटमेंट ही मैं बना रहा, बस एब्जॉर्ब बता रहा हूँ क्या होंगे, 26,250 ना. और अगर मैं आपसे एफओएच का वेरिएंस पूछूं,
अंडर एब्जॉर्ब आएगा या ओवर एब्जॉर्ब आएगा? जी बताएं जी, अंडर एब्जॉर्ब आएगा या ओवर एब्जॉर्ब आएगा, कैसे पता चलेगा? क्या एक्चुअल कहां पे दिए हुए हैं? ये जो 3 लाख है ये बजटेड भी थे, यही एक्चुअल थे? अगर ना बताए हो तो बजटेड भी यही काउंट होंगे एक्चुअल, लेकिन ये पर मंथ नहीं है, पर एनम है, तो पर मंथ कितने बनेंगे? 25,000। कल बताया था ये मैंने असूल के, अगर फिक्स्ड एफर्ट सवाल में एक दिए हो तो रेट के लिए बजटेड भी यही है और एक्चुअल एब्जॉर्ब नहीं है, ये बजटेड भी है और ये रूल पूरी कॉस्ट में है। बेटा सुन ले सब बच्चे, कि अगर आपको क्वेश्चन में बजटेड और एक्चुअल अलग अलग फिगर चाहिए हो और ना दिए हो तो बजटेड और एक्चुअल की फिगर सेम अज्यूम होगी, एब्जॉर्ब हमेशा हमें निकालने पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि बजटेड की फिगर एस्टिमेटेड होती है, अगर एक्चुअल ना बताइए हो तो फिर एक्चुअल भी उतनी होगी। ये 3 लाख पर ईयर है तो इसको पर मंथ में कन्वर्ट करें तो मेरा ख्याल है एक्चुअल एफओएच, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ एफओएच एब्जॉर्ब फॉर्मूला लिखने लगा हूँ, ये जो ऊपर लिखे हुए आपने 21,875 और एक्चुअल एफओएच कितने हैं हर महीने के? 25 25। मेरा ख्याल है हर महीने के अंडर ओवर निकाल लेंगे आप, तो इस महीने मेरा ख्याल है अंडर एब्जॉर्ब आएंगे 3,1। अगले महीने में शायद ओवर एब्जॉर्ब आएंगे, ओवर एब्जॉर्ब साइन चाहे उल्टा भी लगा सकते हैं जी, फिर अंडर एब्जॉर्ब क्योंकि 25 से कम है एब्जॉर्ब, क्या था 1,250 1,750 अंडर एब्जॉर्ब, नो अंडर नो ओवर 1,250 ठीक है, नो अंडर क्योंकि जितने आपने एब्जॉर्ब किए एक्चुअल भी उतने ही है, या एक्चुअल माइनस एब्जॉर्ब कर लो या एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें अब आपने गलती करनी है, अदरवाइज और किसी चीज में शायद आप गलती ना करें, ठीक है जी? तो मसला मसाइल किसी बच्चे को क्वेश्चन वन में, बाकी अब आप इसको सॉल्व खुद करेंगे, मैंने कर जी है जी। ओपनिंग इन्वेंटरी क्या कहते हैं? मैं बताता हूँ, आप मुझे बताओ पहले महीने की एंडिंग नहीं है ना, दूसरे महीने की एंडिंग है, तो ये जो एंडिंग यूनिट्स हैं इनको फुल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट से जरूरत दें। अब क्योंकि कॉस्ट हर महीने की लैदा लैदा नहीं दी हुई तो यही सारे महीनों में चलेगी, हाँ क्योंकि अलग अलग नहीं ना बताइए, या तो वो कह देता महीने वन की ये है, महीने टू की ये है, महीने थ्री की है, फिर तो मैं वो लेता जो उसकी है। अगर उसने आपको कॉस्ट पर यूनिट एक ही दी हो तो फिर सारों महीनों में सेम ही चलेगी क्योंकि डेटा नहीं है हमारे पास, समझ आ रही है? मजबूरी है ना, डेटा नहीं है, डेटा होता तो मेरे क्या, अगर वो कहता कि पहले महीने की 6 रुपए दूसरे महीने की 7 रुपए अलग अलग बताता, तीसरे महीने की 8 रुपए चौथे महीने की 9 रुपए, फिर मैं क्या करता जो दूसरे महीने की इन्वेंट्री है उसको मैं 8 रुपए से या 7 रुपए जितनी भी थी उससे मल्टीप्लाई करता, ठीक है? समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? तो इसमें अब क्या होगा, अगर तो आप एब्जॉर्प्शन से निकाल रहे हैं, क्लोजिंग निकालते होते हैं वो क्लोजिंग अगला ओपनिंग बन जाता है, ओपनिंग नहीं निकालते होते क्लोजिंग निकालते हैं जो कि अगले महीने का क्या बन जाएगा, क्या फॉर्मूला होगा क्लोजिंग का? मंथ वन में तो क्लोजिंग था ही नहीं, मंथ टू में क्लोजिंग क्या होगा? अगर एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो फॉर्मूला होता है फुल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट, फुल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट इनटू क्लोजिंग स्टॉक के। अब फुल प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे आएगी, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए है, फिक्स कॉस्ट 1 रुपया 25 पैसे है, तो 7 रुपए 25 पैसे इनटू 3,000 यूनिट्स। अब 7 रुपए 25 पैसे लेते जानिए, 6 वेरिएबल थी, एब्जॉर्प्शन में ये भी शामिल करते हैं ना, 7 रुपए 25 पैसे इंटू 3,000, 7 रुपए 25 पैसे इंटू 1,000, 7 रुपए 25 पैसे इंटू 4,500, मार्जिनल में किससे जरूरत देंगे बताओ, वेरिएबल से, 6 रुपए इंटू 3,000 यूनिट्स, 6 रुपए इंटू 1,000, समझ आ रही हो? चले आ जाए, वन के बाद अगला कौन सा है जी, किस चीज का? फिक्स्ड एफओएच का नहीं लेते, उसकी वजह यह है कि फिक्स्ड एफओएच प्रोडक्ट कॉस्ट में काउंट ही नहीं किए, पर यूनिट पे कन्वर्ट नहीं किए, जब ये पर यूनिट पे कन्वर्ट आते हैं होते हैं ना तब वेरियंस आता है, समझ आ रही है? क्योंकि ये यूनिट कम ज्यादा होंगे, यूनिट क्या होंगे, आपने कितने यूनिट एस्टिमेट किए हुए थे इधर पर मंथ, तो देखियो हर महीने तुम 20,000 से कम ज्यादा बना रहे हो, कम ज्यादा बना रहे हो ना,
ओहो सॉरी गलत, मैंने यूनिट हाईलाइट कर दिए। हर महीने हम कितने बना रहे हैं? 20,000 से। इस महीने हम देखें 20,000 बना रहे हैं, जितने सोचे थे उतने ही बना रहे हैं ना। देखो यहाँ वेरियंस नहीं निकला कोई, तो जब यूनिट वेरी करते हैं इस वजह से वेरियंस आता है। तो मार्जिनल में हम यूनिट पे बेस नहीं करते फिक्स कॉस्ट को, इसलिए वेरियंस नहीं आता। क्या चीज? हाँ सिर्फ उसमें वेरिएबल का आएगा, वो भी कभी कभी आए, शायद ही आ जाए। उसमें वेरिएबल का क्यों आएगा? क्योंकि वेरिएबल यूनिट में बेस करती है, उसका वेरियंस आ सकता है, लेकिन फिक्स का इससे नहीं आ सकता क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन रेट की शक्ल में नहीं है, पर यूनिट में नहीं है फिक्स कॉस्ट। मार्जिनल में पर यूनिट निकालते ही नहीं ना, इसीलिए वेरियंस भी नहीं आता। जितना खर्चा टोटल है ना वही उठा के लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट में, जिधर भी लिखना है। यूनिट से जरब नहीं देंगे, जब यूनिट से जरब देते हैं ना तब कम ज्यादा होते हैं असल। बात समझ आ रही है जी? क्वेश्चन नंबर वन के बाद अगला कौन सा है जनाब? फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में एक ही मसला है, क्वेश्चन नंबर फोर में एक ही मसला है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फोर में एक ही मसला है। क्वेश्चन नंबर फोर में एक ही मसला है जी। क्या कहता है क्वेश्चन में? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट अंडर द प्रेजेंट मेथड बीइंग यूज्ड बाय द कंपनी एंड आल्सो अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। प्रेजेंट मेथड जो कंपनी का है ना, वो ऊपर बताया हुआ है कंपनी कौन सी कॉस्टिंग यूज करती है। तो कंपनी का प्रॉफिट आपने निकालना है एब्जॉर्प्शन से और मार्जिनल से, और आपने ये जो प्रॉफिट में फर्क है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो फर्क है, वो दोनों मेथड को क्या करना है? रिकनसाइल करना है। तो क्वेश्चन में वो कहता है रनवे पाकिस्तान लिमिटेड प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स सेल प्रोडक्शन इन्वेंट्री वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द सेकेंड क्वार्टर। आपको डेटा किस क्वार्टर का दिया है? याद रखिएगा एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? चार क्वार्टर। क्वार्टर चार हिस्सों को कहते हैं, तो साल 12 महीनों का होता है, तो एक क्वार्टर 3 माह का होता है। एक क्वार्टर कितने माह का होता है? 4 माह का ना कह दीजिएगा। साल को 4 हिस्सों में तकसीम करें, 4 हिस्सों में, बिल्कुल जैसे पिज्जा है, पिज्जा के 4 पीस क्वार्टर कर लो, तो एक पीस जो होगा ये इस तरह का वो क्वार्टर कहलाएगा। समझ आ रही है? तो ये जो 3 माह होते हैं, पहले 3 माह जनवरी से मार्च का क्वार्टर होता है, दूसरा जनवरी के मार्च अप्रैल से जून क्वार्टर होता है, जुलाई से सितंबर क्वार्टर होता है, और आखिरी पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं। उसने ये डाटा किस क्वार्टर का दिया है? सेकंड क्वार्टर ऑफ 2006, मतलब अप्रैल से लेकर जून तक। सेल रेवेन्यू दिया हुआ है उसने निकाल के, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है एब्जॉर्प्शन से, और आपने वेरीफाई करना समझ कि सही है कि नहीं। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लफ्ज क्या लिखा हुआ है? अब ये ना इसके अंदर 3 चीजें जमा कर दी हुई है उसने, पहले 3 कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग है ना, 3 कॉस्ट इसके अंदर जमा हो चुकी हुई है, ये डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल एफओएच, तीनों कॉस्ट इसमें जमा है जनाब। 10 रुपए पर यूनिट, ये तो ऐसे ही ले लेंगे। फिक्स्ड एफओएच पर यूनिट दिया है, तो ये आपको एब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ है। जब भी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दी हो या पर आवर दी हो, ये आपको फिक्स एफओएच का क्या दिया हुआ है? एब्जॉर्प्शन रेट। इसके पीछे फॉर्मूला लगा होगा, ये 11 रुपए फॉर्मूले से निकला होगा। क्या फॉर्मूला लगा होगा? बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय या नॉर्मल कैपेसिटी होगा, या जब जो भी कहेगा वो आप वो देख लेते हैं। क्वेश्चन के नीचे आगे मार्केटिंग और एडमिन एक्सपेंस है 4,50,000 के, जिसमें से फिक्स 2.5 लाख हैं, तो बाकी फिर 2 लाख रुपए के क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। ठीक है, समझ आती है बात आपको? यूनिट्स का डाटा दिया है, क्वार्टर टू की ये सेल यूनिट्स हैं, ये प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, ये बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। ये क्यों दिए हुए हैं? बजटेड प्रोडक्शन रेट क्यों दिए होंगे? बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स क्यों दिए होंगे? बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स या कैपेसिटी हमेशा रेट में आ सकती है, या रेट में आ सकती है, ये इसका इस्तेमाल रेट के लिए हो सकता है। एंडिंग इन्वेंट्री क्वार्टर टू की ये दी है, नॉर्मल कैपेसिटी भी दे दी है। लो जी इस सवाल में बस ये इसमें मसला है, एक सवाल में नॉर्मल कैपेसिटी और बजटेड प्रोडक्शन दोनों दी हुई है, या नॉर्मल कैपेसिटी लेते हैं या क्या लेते हैं?
दोनों में फर्क क्या, आप सुन लें बस, ये सवाल में ये फर्क पता होना चाहिए, नॉर्मल कैपेसिटी में और बजटेड प्रोडक्शन में क्या फर्क है। दोनों रेट के लिए इस्तेमाल होती है, रेट के लिए बेस, जो आपने नीचे बेस नहीं लेनी होती बजटेड, ये भी एब्जॉर्प्शन रेट की बेस है, एब्जॉर्प्शन रेट की बेस के तौर पर इस्तेमाल होती है, और ये भी बेस के तौर पर इस्तेमाल होती है, बाकी इसका कहीं कोई इस्तेमाल नहीं है। नॉर्मल कैपेसिटी का या बजटेड प्रोडक्शन का एब्जॉर्प्शन रेट में बेस के तौर पर इस्तेमाल होती है। दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में फर्क क्या होता है और दोनों में से ज्यादा रियलिस्टिक कौन सी होती है? दोनों कहाँ इस्तेमाल होती हैं? रेट के लिए। दोनों एस्टिमेटेड है, ये भी एस्टिमेट है, ये भी अंदाजा है, ये भी अंदाजा है, लेकिन फर्क क्या है? बजटेड प्रोडक्शन जो है ये एस्टिमेट आपकी जजमेंट के ऊपर बेस करता है, इस पे बेस करता है, और ये जो नॉर्मल कैपेसिटी है, नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब होता है कि आप पिछले पीरियड्स में जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन करते हैं उसकी एवरेज निकाल लेते हैं, और आप एज्यूम करते हैं कि अगले पीरियड में भी उतनी ही प्रोडक्शन एस्टिमेट हम कर रहे हैं जितनी पिछले में एक्चुअल हुई थी एवरेज, ठीक है? यानी बजटेड प्रोडक्शन की बेस है आपकी जजमेंट, नॉर्मल कैपेसिटी की बेस है योर एवरेज कैलकुलेशन, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द लास्ट पीरियड्स अगर हम निकाल लें तो वो अगले पीरियड के लिए एस्टिमेट होगा। बात समझ आ रही है? एक आप अंदाजे से तय कर रहे हैं, एक कैलकुलेशन से तय कर रहे हैं, दोनों में से ज्यादा रियलिस्टिक जो एस्टिमेट होगा वो नॉर्मल कैपेसिटी होगी, क्योंकि नॉर्मल कैपेसिटी को डिटरमिन करने का क्राइटेरिया है वो कैसे आएगी? पिछले सालों की जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन है या महीने की जितनी प्रोडक्शन है पिछले 6 माह 7 माह की, उनकी एवरेज निकालो, वो जो एवरेज आती है हम कहते हैं अगले महीनों में भी इतनी प्रोडक्शन हम नॉर्मली करेंगे। समझ आ रही है आपको? तो नॉर्मल कैपेसिटी और बजटेड प्रोडक्शन में से दोनों में से विच इज प्रेफरेबल? लेकिन अगर सवाल साइलेंट हो, अगर सवाल खुद बता दे फिर पढ़ा नहीं डालो। दोनों में से प्रेफरेबल है नॉर्मल कैपेसिटी व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, बट इफ क्वेश्चन स्टेट्स एनीथिंग तो फिर आपने प्रेफरेंस को मारना गोला, फिर जो उसने कहा वो बोले, क्योंकि हमारे वाले रूल कई दफा फ्लॉप हो जाते हैं अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट कोई आ जाए, हमारे सारे रूल पीछे रह जाएंगे अगर स्टेटमेंट क्वेश्चन की कह दे। क्या बात समझ आई है? जी बताएं जी, नॉर्मल कैपेसिटी और बजटेड प्रोडक्शन क्यों दी होती है? नहीं, क्यों दी होती है? एब्जॉर्प्शन रेट में बेस के तौर पे। दोनों दी हो तो दोनों में से प्रेफरेबल कौन सी है? नॉर्मल कैपेसिटी प्रेफरेबल है इफ क्वेश्चन इज, अगर क्वेश्चन स्टेट कर दे तो चाहे वो नॉर्मल कह दे तो मैं नॉर्मल को पकड़ लूंगा, अगर उसने बजटेड प्रोडक्शन कहा तो मैं उसको कर लूंगा। समझ आ रही है? अब इस क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है तभी मैंने आपको ये बात जरा जोर से कही है। आ जाए जरा नीचे, ये नहीं, ये दोनों चीजें रेट के लिए हैं। आप कंफ्यूज होंगे मैं कौन सी लू नीचे बेस पे, तो बताया हुआ उसने क्वेश्चन में। अच्छा, क्वार्टर वन की प्रोडक्शन कितनी थी? क्वार्टर वन की प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की थी? 3100150। क्वार्टर वन की सेल कितनी थी? हाँ, इससे आपके पास क्वार्टर वन की एंडिंग इन्वेंटरी यूनिट्स में आएगी, जो कि क्वार्टर टू की ओपनिंग बनेगी। एक्चुअली पिछले पीरियड का जब भी डाटा होगा ना, उससे ओपनिंग यूनिट्स या ओपनिंग रुपए निकलेंगे। अब ये यूनिट्स का डाटा है ना, तो पिछले क्वार्टर में ये फॉर्मूला लगा होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस पिछले क्वार्टर की माइनस पिछले क्वार्टर का क्लोजिंग, पिछले क्वार्टर का सेल। तो पिछले क्वार्टर की सेल थी, मेरा ख्याल है, हाँ, पिछले क्वार्टर का ओपनिंग नहीं बताया, लेकिन पिछले क्वार्टर की प्रोडक्शन दी हुई है, क्योंकि प्रोडक्शन सेल से ज्यादा है इसीलिए क्लोजिंग निकलने की चांस ज्यादा है। सेल कम है ना, प्रोडक्शन ज्यादा है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगा क्वार्टर वन का, जो कि क्वार्टर टू में क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स होंगे क्वार्टर टू के। जी बताएं जी क्या है? प्लस माइनस करके 900100 यूनिट्स शायद इतना ही है, तो मुझे याद है, ये यही पॉइंट बार बार आता है 900100। और ठीक है, ये क्यों दिया हुआ था डाटा? इससे हम अपने ओपनिंग स्टॉक के, क्या क्वार्टर टू की एंडिंग भी दी हुई है, क्वार्टर टू की सेल भी दी हुई है, क्वार्टर टू की एक्चुअल प्रोडक्शन भी दी है, बस ओपनिंग इन्वेंटरी नहीं दी हुई थी। क्या नहीं दी हुई थी? या आप इससे भी निकाल सकते थे, टू की ओपनिंग निकाल सकते थे, दो तरीके हैं सवाल में,
बात समझे मेरे कि क्वार्टर टू की मैं कैलकुलेशन अगर अगर मैं क्वार्टर वन को मानता गोला, मैं क्वार्टर टू की कैलकुलेशन कर लेता, क्वार्टर टू की सेल थी 3 मिलियन, क्वार्टर टू का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था यूनिट्स में 320, क्वार्टर टू की प्रोडक्शन थी, अब ये निकालो। बच्चे पूछते हैं सर ये फिर क्यों दिया हुआ है, अगर वहां से निकल सकता है, बस ऐसे ही आपको दो रास्ते दिखाए हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हालांकि एक दफा क्रॉस चेक कर लो दोनों से जवाब सेम आएगा, लेकिन वो बच्चे समझते हैं अगर मैंने ये किया पता नहीं ये तरीका सही है या वो तरीका सही है, हालांकि दोनों तरीकों से आपका जो क्वार्टर टू की ओपनिंग है ना वो क्या आनी है सेम। वो समझ आ रही है? अच्छा क्या कहते हैं जी, मैनेजर का क्लेम ये है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना क्वार्टर का वो गलत है, वो समझता है ये गलत है, तो आपने उसको वेरीफाई करके बताना है कि भाई तेरा प्रॉफिट सही है कि गलत है। उसका ख्याल ये है कि प्रॉफिट इससे ज्यादा निकलता है, इससे आपने उसको बताना है भाई अब्सॉर्प्शन से इतना ही निकलेगा, मार्जिनल से ज्यादा निकलेगा, ये कम निकलेगा, जो भी निकलेगा वो आपने करना है। ये लाइन लिखी हुई है जनाब, ये यहाँ तक, इट इज द पॉलिसी ऑफ कंपनी टू कंप्यूट एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड रेट। एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालती है कंपनी, बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टरली। अब आप नॉर्मल लिखेंगे इसका मतलब है जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा था ये गलत था, फिर असल फॉर्मूला फिर क्या होगा, असल फॉर्मूला होगा फिक्स्ड एफओएच का जो रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है फिक्स्ड एफओएच का एब्जॉर्प्शन रेट, इसका वैसे फॉर्मूला होता है बजटेड, नॉर्मल कैपेसिटी नहीं करेंगे आप, उसने खुद कह दिया है बजटेड, तो ये रेट 11 रुपया आपको दिया हुआ था, बजटेड प्रोडक्शन कितनी थी 3 मिलियन, ये रकम निकल आएगी। ठीक है, ये जो बजटेड होती है अगर एक्चुअल ना बताइए, एक्चुअल नहीं दी हुई सवाल में, तो फिर ये बजटेड वाली और एक्चुअल वाली को क्या अज्यूम किया जाएगा सेम। ये इसलिए मैंने निकाली, अदरवाइज मुझे क्या लगा था इसको निकालने की, मुझे कोई जरूरत नहीं थी इतनी, असल में मुझे बजटेड फिक्स कॉस्ट इसलिए चाहिए होती है ताकि मैं ये अजम्पशन फिट कर सकूं कि बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट और एक्चुअल फिक्स कॉस्ट क्या होगी सेम। और ठीक है मेरा ख्याल है बाकी आगे कुछ नहीं है, वो कहता है जो भी अंडर ओवर एब्जॉर्ब आएगा वो कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोज किया जाएगा, ना भी कहते हम ऐसे ही करते हैं, या कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करते हैं या कॉस्ट ऑफ सेल में से क्या करते हैं माइनस करते हैं। हाँ जी बताएं जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। मैं अब आऊंगा उसके ऊपर, बल्कि 9 पे आऊंगा, 11 भी दिया था, 11 दिया था मेरे को, 11 आया। अच्छा चलो अभी मैंने 9 कराना है, 9 डिस्कस करते हैं। 9 बड़ा अच्छा सवाल है, ये रवीन के लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। किया किसी ने 9? किसने किसने किया 9? सारे इजी था, नहीं इसमें सारे मसाले थे, ये बल्कि मुश्किल था, जिससे ये हो गया वो पिछले हो जाने चाहिए थे जी। हो गया 9 फटा के, तेरा ज्यादा मसला किसमें था भाई, तुम कह रहे थे ये अलग जरूर करा दे 11 9 वाले मसला से, चलो देख लेना 9 की ये देख लेते हैं 9 को, 9 में क्या मसला है, वो 9 वहां पे आगे पीछे होगा, तो मैं यहाँ से पास्ट पेपर में से उठा लेता हूँ, स्प्रिंग 2014 का सवाल है, आई है 9 आई है क्वेश्चन नंबर 4। की कहना है जनाब, ये सवाल बहुत अच्छा है, रवीन के लिए इसको हाईलाइट कर लें, ये एक सवाल करें मसाले पूरे, जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा मुश्किल आ सकता था वो आ गया ये सवाल, मतलब इससे भी हैवी एक सवाल है, लेकिन अब वो उस लेवल का सवाल आएगा नहीं क्योंकि वो बजटिंग में चला गया हुआ है, MFA में इसने किताब में रख दिया है, तो आसान आएंगे, ये वो लेवल है जो आपका है। क्वेश्चन में वो क्या कहता है,
अगर आप क्वेश्चन को देखें, मैंने पास पेपर से कॉपी किया, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और अंडर क्या करना है और रिकंसाइल करना है, यही रिक्वायरमेंट बार बार आ रही है। रिक्वायरमेंट भी रटी होनी चाहिए कि इस चैप्टर में रिक्वायरमेंट आती क्या है। तो इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट बड़ी फ्लैट है। एफओएच की रिक्वायरमेंट चैप्टर की क्या होती थी, या रेट निकालना है या वेरियंस निकालना है या प्रोडक्ट वाइज जो रिक्वायरमेंट होती थी वो भी याद हो। कहता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना है आपने, यानी इनकम स्टेटमेंट बनाना है। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और उसको मार्केट में क्या करती है, सेल आउट। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस 2013 की दी हुई है, दिसंबर की, और हमसे भी नीचे किस साल का मांगा हुआ है, दिसंबर 2013, यानी जिस साल का सवाल सॉल्व करना है। डेटा भी सारा उसी साल का दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस देखो कि ये रुपीस टोटल में नहीं है, ये रुपीस क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है, हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल होती है, लेबर कॉस्ट यह है कि भाई 40% फिक्स है, यानी 88 रुपए पर यूनिट फिक्स है और 132 रुपए के वेरिएबल एफओएच है। आगे ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 165, तो इसमें से भी अगर हम अलहदा कर लें फिक्स और वेरिएबल, तो 60% फिक्स है और 40% वेरिएबल है, तो 99 और 66 ऐसे ही है। ये अलहदा अलहदा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल और फिक्स अलहदा अलहदा चाहिए। अदर इंफॉर्मेशन, ड्यूरिंग द ईयर आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, कौन से यूनिट मिसिंग है, कौन से यूनिट मिसिंग है, क्योंकि प्रोडक्शन भी है, ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, तो सेल यूनिट ओपनिंग 4000, तो सेल कहता है फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट, ये वाली जो पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट, ये किस पे बेस कर रही है, तो भाई ये जो 88 रुपए निकला हुआ इसके पीछे क्या फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होगा इसके पीछे, बजटेड नहीं एफओएच नहीं बजटेड टोटल फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय, जैसे अभी हमने पीछे एक सवाल डिस्कस किया उसी तरह ये जवाब दिया हुआ है, नॉर्मल कैपेसिटी भी दी हुई है। तो क्या ये मैं निकाल सकता हूँ, इससे मेरे पास बजटेड फिक्स कॉस्ट आ जाएगी और उसी को हम एक्चुअल भी अज्यूम करेंगे। वही स्टोरी आ गई, वही पॉइंट आया, पता नहीं उनकी नहीं आती है, तेरा भी यही बजटेड है रेट के लिए, यही एक्चुअल है। हाँ ये प॑इंट है, बस कंपनी फाइफो मेथड यूज करती है, इससे परेशान नहीं होना। इसका मतलब ये होता है कि जो यूनिट पहले बने हुए हैं वो पहले बिक जाएंगे और जो स्टॉक में बचे पड़े होंगे वो पुराने यूनिट नहीं होंगे, बल्कि जो इस महीने बने थे वो होंगे या इस साल। ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन का बच्चों को समझ नहीं आई थी क्या करना है। वो कहता है ओवरहेड की जो कॉस्ट है वो 10% इंक्रीज अच्छा जी, क्या बात कर रहा था मैं, आ गया जी। वो कहता है ओवरहेड कॉस्ट हैव इंक्रीज बाय 10% ओवर द प्रीवियस ईयर, का मतलब है पिछले साल के मुकाबले में अगले साल, पिछले साल के मुकाबले में अगले साल, या ये जो करंट ईयर है 2013 इसमें
पिछले साल के मुकाबले में हमारी जो ओवरहेड कॉस्ट है वो कितने परसेंट बढ़ चुकी है? आगे 10% बढ़ चुकी है. रॉ मटेरियल और लेबर कॉस्ट कितनी बढ़ चुकी है? 5%. ठीक है, अब ये मैथ है. हमारे पिछले साल के मुकाबले में मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड इतने परसेंट बढ़ चुकी है. अब ये आपको डेटा पिछले साल का नहीं दिया हो, आपको इस साल का दिया है, तो इससे पिछले साल की फिगर निकालनी है आपने. इस साल की तो पिछले साल की फिगर आएंगी कहाँ पे, कहाँ इस्तेमाल होंगी? ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालने के लिए. याद रखें, पिछले साल की कोई भी फिगर है वो किस लिए इस्तेमाल होगी? ओपनिंग. अब ये कैसे कम ज्यादा करना है, तो असूल याद रखें कि पिछला साल जो होता है वो हमेशा बेस होता है, या जो भी ओरिजिनल फिगर होती है इंक्रीज या डिक्रीज से पहले वाली, वो 100% होती है. ओरिजिनल फिगर परसेंटेज में हमेशा 100% होती है, मैथ का असूल है. इंक्रीज या डिक्रीज से पहले वाली जो इन फिगर है वो क्या है? 100%. तो उसने कहा था कितनी इंक्रीज हो चुकी है, 10%, या कभी भी न्यू फिगर 100% नहीं होगी. इंक्रीज या डिक्रीज से पहले वाली फिगर हमेशा 100% होगी. तो अगर 5% इंक्रीज है रॉ मटेरियल की कॉस्ट में, ये कॉस्ट 2012 की थी, ये कॉस्ट किस साल की है? 2013 की. जो नई फिगर होगी वो कितने परसेंट होगी? ठीक है, 10. अब मुझे बताएं आपको किस साल की फिगर दी हुई है इनमें से, 2012 की दी है कि 2013 की दी है? कितनी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी, निकालो बेटा क्या थी है? अगर ये 630 हो तो कौन सी फिगर 100% होगी? ओरिजिनल वाली की इंक्रीज के बाद वाली. ओरिजिनल वाली कितने परसेंट होगी? 100% है. इंक्रीज या डिक्रीज के बाद वाली फिगर 100% नहीं है, बल्कि ओरिजिनल इंक्रीज से पहले वाली फिगर 100% है. ये मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी, पुरानी वाली कितनी आती है? ऐसे ही लेबर की निकालो, लेबर की नई कॉस्ट कितनी है? 189 है शायद. लेबर की नई कॉस्ट 189 है, तो पिछले साल की निकाल लो इसी रिलेशनशिप की बेस पे. 189 डिवाइडेड बाय 105 इनटू 100, ये कितनी है? 180. ये मटेरियल कॉस्ट है, ये लेबर कॉस्ट है. अब ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स. हाँ जी, ओरिजिनल फिगर कितने परसेंट है? इंक्रीज कितनी हो चुकी है ये ओवरहेड्स की फिगर? 5% ओवरहेड्स. ओवरहेड 10% इंक्रीज हुए हैं, तो वो 110% पे पड़ी है फिगर ओवरहेड्स की. वेरिएबल ओवरहेड 132 थे, फिक्स्ड ओवरहेड 88 थे. 88 तो ऊपर आ जाए मेरा ख्याल है, तो 132 80 होगा शायद. हाँ जी, ये रकमें आपको चाहिए. ये रकमें क्यों चाहिए थी आपको? ताकि आप पिछले साल की कॉस्ट और ओपनिंग इन्वेंटरी की कॉस्ट निकाल सके. अब इस सवाल में 2-3 रकमें निकालना काम है मेन. सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब कितने आएंगे और वेरिएंस कितना आएगा. फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब कितने आएंगे इस क्वेश्चन में? अगर मैं आपसे पूछूं फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब कितने आएंगे, 10 लाख कैसे निकाले हैं? 88 रुपीस पर यूनिट एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट है 2013 का. एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी थी? 10, 56. अब बताओ अंडर एब्जॉर्ब आएगा फिक्स्ड एफओएच का या ओवर एब्जॉर्ब? ये कैसे देखेंगे, अभी मुझे तो नहीं पता, साफ सी बात है. फिक्स्ड एफओएच का वेरिएबल का नहीं आना, फिक्स का ही आना है, क्योंकि वेरिएबल का कुछ नहीं कहा हुआ, फिक्स का लाजमी आना है. तो फिक्स्ड एफओएच का वेरिएंस होता है एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल, या एक्चुअल माइनस एब्जॉर्ब. एब्जॉर्ब एफओएच थे 10 लाख 56 हजार,
और एक्चुअल एफओएच नहीं दिए हुए तो एजम्पशन लेंगे, एक्चुअल एफओएच नहीं दिए हुए सवाल में, कहीं नहीं दिए हुए टोटल, तो हम एजम्पशन लेंगे कि वो जो बजटेड थे वो एक्चुअली वही है। मेरा ख्याल है अंडर एब्जॉर्ब आ जाएगा 4। ये गलत होता है जनाब। अब जरा कैलकुलेटर पकड़े, मैं किसी एक बच्चे से पूछता हूँ, इस इदारे की क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट बताएं। चलो 2013 का क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी कितनी कॉस्ट आएगी? क्लोजिंग स्टॉक के 3000 यूनिट्स हैं, 2013 के क्लोजिंग स्टॉक की क्या कॉस्ट होगी? कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, 2013 के क्लोजिंग स्टॉक की क्या कॉस्ट होगी? 2013 के क्लोजिंग स्टॉक की क्या कॉस्ट होगी? बोलना नहीं जी, जो कर ले वो बता दे कि सर कर लिया जी। 2013 के क्लोजिंग स्टॉक की क्या कॉस्ट होगी? जो बचा कर ले वो मुझे बता दे, जबानी कलामी। हाँ जी का ठीक है, एक मिनट। 2013 के क्लोजिंग स्टॉक यानी ये 3000 यूनिट्स की क्या कॉस्ट होगी? जी बेटा बताएं जरा। हाँ जी बेटा आपने कर लिया, खातून आपने कर लिया क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट? क्या फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट निकालने का? फॉर्मूला जेन में लाए और उसके मुताबिक डाटा उठाए। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट और ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट और ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट। और लड़की इतना टाइम कैसे निकाल रही बताओ मुझे प्लीज, इतना टाइम थोड़ी लग रहा है। वो कितनी है फुल प्रोडक्शन कॉस्ट बता देना, रकमे ना बोले बस, मुझे निकालनी कैसे है बोलो, रकमे बोलो ना, क्या क्या लोग कितनी लेंगे? अच्छा ते दसो रकम की आंदे, इन्ना टाइम की ला रहे हो? 3117 इतना टाइम। ओपनिंग निकालो जल्दी करो, जल्दी आपकी मेहरबानी, जरा स्पीड लगाओ। ओपनिंग कॉस्ट, ओपनिंग की कॉस्ट निकालो। ओपनिंग में वो 630 नहीं था मटेरियल, 600 था मटेरियल। ओपनिंग के लिए पिछले साल की कॉस्ट उठाएंगे, ओपनिंग के यूनिट कितने हैं? 4000। मुझे बताओ शाबाश कितनी आते हैं? मेरा ख्याल है 600, 2800, 980 होनी चाहिए। 980 × 4000 यूनिट्स हैं, बताओ लड़के ऐसे ही है ना, जो भी अमाउंट आती है 980 × 4000। जिससे कैलकुलेटर पे नहीं हो रहा वो कॉपी भी नहीं कर सकता। हाल तो है ऐसे ही है, 980 आती है पर यूनिट। 980 कहाँ से आई? 600, 180, 120, हाँ मतलब 120 और ये 8200। तो इसका मतलब है आपकी क्लोजिंग स्टॉक की और ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट आ गई। पता नहीं उनकी नीचे, मुझे पता नहीं। चलो ये जो भी थी ये मल्टीप्लाइड बाय 3000 और पुरानी कॉस्ट 980 × 4000। ठीक है चलो, अब एक सवाल हम लिख के करेंगे, बस होगी मेरी बोल बोल के। अब लिखेंगे जरा मेनू सहा आ जाए। आई कैप का कॉस्ट अकाउंटिंग का मॉडल पेपर है, तो मॉडल पेपर में सवाल एक आया हुआ है, ये करते हैं जरा, शायद ये हमारे नोट्स में भी हो। 11 है, चलो 10 है जेड़ा भी है। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 10 है या 11 है, जो भी है ठीक है।
तो ये मॉडल पेपर में है और हमारे नोट्स में भी है। चले 11 भी है। अच्छा आपका सवाल हल हो जाएगा। जी क्वेश्चन नंबर ये हमारे नोट्स का 11 है कि 10 है जरा देख। 11 है फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को। और ये मॉडल पेपर का कौन सा क्वेश्चन है? मैंने अभी देखा था बस 11 है। मॉडल पेपर का क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 ऑफ मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर आई कैप की वेबसाइट से लिया हुआ है। तो आई कैप ने मॉडल पेपर में सारे पुराने कॉस्ट अकाउंटिंग के सवाल रखे, आसान नहीं किए, थोड़े से कुछ किए कुछ मुश्किल रखे हुए, तो ये उनमें से है। ये अच्छा सवाल है, इसमें मसाइल भी होंगे आपको, हालांकि ये सवाल आधा हल हुआ हुआ पहले। क्वेश्चन में वो कहता है कैलकुलेट बजटेड एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड फॉर 2020 एंड 2021। बजटेड फिक्स्ड एफओएच भी निकाल लें और एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच भी निकाल लें, समझ आ रही है? बजटेड और एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच निकाल लें, ये तो एक जर्नल रिक्वायरमेंट है, ये इस चैप्टर की नहीं है, मेन मतलब जर्नल सी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद उसने क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किसके तहत बनानी है, ये हमारी रिक्वायरमेंट मेन है जो पेपर की बनती है। मार्जिनल रिकंसिलेशन नहीं मांगी। डाटा उसने क्या दिया हुआ है, फ्रांसिस्को लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट जी एंड हैज एनुअल ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ 82,500 मशीन आवर। एनुअल ऑपरेटिंग कैपेसिटी का मतलब होता है ये इतने घंटों से ज्यादा काम नहीं कर सकती। मैक्सिमम कितने घंटे काम कर सकती है? 82,500 घंटे मशीन चला के काम कर सकते हैं, मशीनों पे काम होता होगा ऐसे बारे में। कंपनी कौन सा मेथड यूज करती है? यूजेस का मतलब है कि कंपनी रूटीन में यूज करती है एब्जॉर्प्शन, लेकिन आपसे अब एब्जॉर्प्शन से नहीं कराना चाह रहा, वो किससे कराना चाह रहा रिक्वायरमेंट में? मार्जिनल। तो उसने आपको ये एब्जॉर्प्शन से देखे बना के दिया हुआ डेटा। तो वो कहता है बिलो इज अ समरी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2020 एंड 21। तो 2021 और 20 का डेटा दिया हुआ है। ये एक किस्म की इनकम स्टेटमेंट सी बनाई हुई है उसने अपने फॉर्मेट के मुताबिक। सेल कितनी थी 2020 में? सेल रेवेन्यू कितना था? 155,500 और सेल यूनिट्स कितने थे? अगर मैं आपसे सेल प्राइस पूछूं क्या थी पिछले साल, निकालो जरा कैलकुलेटर पे, सेल प्राइस पर यूनिट क्या थी? देखा कितना छोटा फॉर्मेट बनाया हुआ है उसने इनकम स्टेटमेंट का, बड़ी स्मार्ट सी बनाई हुई है स्टेटमेंट। 15 या 50 रुपए, ये 3 सिफर कॉमन लिया ना उसने ऊपर। 155,500 डिवाइडेड बाय 10,500 यूनिट, जी सेल प्राइस पर यूनिट निकाली है जनाब। 155,500 डिवाइडेड बाय 10,500 यूनिट्स, 0.52। चलो अच्छा अगले साल सेल कितनी है? अगले साल की सेल प्राइस बताओ भाई। अब आप ये देखें, ये जो पिछले साल का क्लोजिंग था, ये अगले साल का देखें ओपनिंग बना हुआ है, बिल्कुल रफ में भी सेम है। ये 2020 का क्लोजिंग, 2021 का क्या बना हुआ है? ओपनिंग, ठीक है? जरा निकालना इसकी कॉस्ट पर यूनिट क्या थी। 31,000 × 3500 88,585.14। ये निकालना प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कितनी निकलती है, वैसे ही चेक कर रहे कितनी है। वही आएगी 8857 ही आनी चाहिए, 8857 ही आनी चाहिए, क्योंकि जितनी चीजें बची पड़ी होती हैं वो इसमें से ही होती हैं प्रोडक्शन में से। अब मुझे बताएं ये जो मैं ये निकाल रहा हूँ 8857 पिछले साल की, अगले साल की भी कुछ इस तरह ही निकलेगी मेरा ख्याल है। अगले साल की शायद 9,000 हो, अगले साल की कॉस्ट शायद क्या हो, जरा चेक करना। 36,000 × 4,000 या 94,004 डिवाइड बाई ये करो, 9,000 पर यूनिट होगी मेरा ख्याल। कितनी आती है अगले साल की कॉस्ट पर यूनिट? 9,000
ये फुल प्रोडक्ट कॉस्ट होगी या वेरिएबल कॉस्ट होगी? कैसे पता चलेगा आपको फुल? कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से कर रही है, ठीक है? तो एक्चुअली कुछ नहीं करना, मेन कैलकुलेटर पे देखिएगा, अगर आप ये कॉस्ट को डिवाइडेड बाय यूनिट्स करते जाएं तो आपको कॉस्ट पर यूनिट निकल आएगी। इधर फुल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट 9000 रुपए पर यूनिट है और इधर 88 समथिंग कुछ थी। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, अंडर एब्जॉर्ब को इन्होंने लेस किया हुआ है, ओवर एब्जॉर्ब को इन्होंने ऐड किया हुआ है, सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस इन्होंने आपको दिए हुए हैं, ठीक है, पिछले साल के भी अगले साल। कहता है इन बोथ ईयर द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड मशीन यूजेज आर 6 आवर्स। इसका क्या मतलब है? मशीन जब आपकी प्रोडक्ट बनाती है तो एक यूनिट प्रोडक्ट का कितनी घंटों में बनता है? 6 घंटों में मशीन पे बनता है। एक्चुअल घंटे भी 6 हैं और स्टैंडर्ड या बजटेड घंटे भी एक यूनिट पे कितने हैं? 6 है। ना 6 से कम टाइम लगेगा एक यूनिट बनाने पर, ना 6 से। हाउएवर द स्टैंडर्ड मशीन यूजेज वॉज 80% एंड 82% ऑफ द ऑपरेशनल कैपेसिटी। जी, वो जो आपकी मशीन ने यूज होना ना, स्टैंडर्ड मशीन यूजेज का मतलब है जितनी एस्टिमेटेड है प्लान है ये यूज हो सकती है। तो 2020 में मशीन अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं चलेगी, 82,500 का 80%। तो ये जो स्टैंडर्ड मशीन यूजेज है, ये जो टोटल में नहीं, एक्चुअली स्टैंडर्ड नहीं है, ये बजटेड मशीन आवर्स निकल आएंगे। कितना है? 66,000। और 2021 में ये मैंने मशीन आवर निकाले और स्टैंडर्ड मशीन आवर उसने कहा हम इसे बजटेड कहेंगे, रेट के लिए है। दूसरे क्या है? 82,500 × 82% मशीन आवर। ये स्टैंडर्ड एक्चुअल नहीं है, स्टैंडर्ड है इसलिए ये बजटेड मशीन आवर की जगह इस्तेमाल होंगे। कहता है कंपनी का फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 700 रुपए पर मशीन आवर है। किस साल में? 2020 में जो आपके फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है वो कितना है? 700 रुपए है। तो ये रेट कैसे निकला होगा? ये कैसे निकला होगा रेट? इसके पीछे फॉर्मूला होगा 700 रुपए पर यूनिट पर आवर है, सॉरी पर आवर यूनिट नहीं है, पर 2020 में इसके पीछे फॉर्मूला लगा होगा बजटेड टोटल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड, जिसको उसने स्टैंडर्ड मशीन यूजेज कहना, मैं उसको कहूंगा बजटेड मशीन आवर। तो ये 700 रुपए पर मशीन आवर मेरे पास मौजूद है। बजटेड मशीन आवर कितने थे जी 2020 में? 2020 में, हाँ ये 2020 में थे 66,000। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी 2020 की, तो ये निकल आई 2020 की बजटेड फिक्स कॉस्ट देखो कितनी है, 46,200। आगे चले, आगे वो क्या कहता है जनाब, कंपनी रिवाइजेज इट्स फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच ईयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर ईयर्स एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर। कंपनी अपने हर साल की जो फिक्स कॉस्ट है ना उसको क्या करती है, रिवाइज करती है, और किस बेस पे? एक्चुअल की बेस पे, यानी जितने पिछले एक्चुअल होंगे वो अगले साल के क्या होंगे, बजटेड होंगे। समझ आ रही है बात आपको रेट के लिए? तो ये सारा डाटा आपको दिया हुआ है। अब इस सवाल का जो थीम है वो आपसे जो पार्ट ए मांगा गया उसमें क्या मांगा गया, अगर हम तरतीब से चलें, जरा मैं इसको मिटाने लगा हूँ, डाटा बड़ा बिखरा सा है। मुझे ये बताएं बजटेड एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, पहले सिर्फ 2020 का डाटा देखता हूं, 20 और 21। जी मुझे ये बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो रेट निकला होता है ये कौन से फिक्स्ड एफओएच की बेस पे निकला होता है, बजटेड की बेस पे कि एक्चुअल की बेस पे? जी बजटेड की बेस पे, ठीक है। जो इसके अंदर आए होते हैं एब्जॉर्ब, इसके अंदर जो फिक्स्ड एफओएच आए होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं,
और ये जो वेरियस निकला होता है ये एक्चुअल और अब्सॉर्ब की बेस पे निकला होता है। अब मेरे पास जो अवेलेबल डाटा है मैं उसको जरा तरतीब से लिख लूँ, फिर मुझे समझ आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से निकलेगी। तो मैं सबसे पहले रेट का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपने साथ साथ लिखना नहीं। किस साल के लिए कर रहे हैं? 2020 के लिए। 2020 में, 2020 में जब हमने ये रेट निकाला होगा फिक्स्ड एफओएच का एब्जॉर्प्शन रेट, तो हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया होगा बजटेड टोटल फिक्स्ड एफओएच, बजटेड टोटल फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स। तो ये रेट था 700 रुपए। अच्छा चलो बाद में डाटा लिखते हैं, ये चलो लिख ले 700 रुपए पर मशीन आवर। और हमारे पास ये बजटेड मशीन आवर कितने थे? 66,000। चले अब हम छोड़ देते हैं इसको, ये इंफॉर्मेशन खुद ही हमें पता चल जाएगा कि इससे क्या निकला, और हमसे मांगा भी गया इसमें रिक्वायरमेंट में। तो हम अगर इसको निकालें तो हमारे पास ये आ जाएंगे बजटेड टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स फॉर किस साल की है ये? तो मेरा ख्याल है 700 रुपए पर आवर इंटू 66,000 घंटे। जी क्या आता है कितना? 000। ठीक है, ये एक आंसर है मेरा। अच्छा इसके बाद जब रेट निकल आता है, ये रेट कब निकलता है? स्टार्ट में। उसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड फिक्स्ड एफओएच क्या होंगे? एब्जॉर्ब होंगे कि एक्चुअल? फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ जी, रेट कितना था? रेट था भाईजान रेट 700 रुपए पर मशीन आवर। 700 रुपए पर यूनिट था, पर मशीन आवर था। तो एक यूनिट पे 6 मशीन आवर लगते थे, लिखा हुआ उसको। एक यूनिट पे कितने मशीन आवर लगते हैं? 6 मशीन आवर। चैप्टर 1 वाला फॉर्मूला रेट इनटू मशीन, ये अब आपके एफओएच पर यूनिट आ जाएंगे पिछले साल इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। एब्जॉर्ब एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए होते हैं, तो पिछले साल की एक्चुअल प्रोडक्शन थी 11,500 यूनिट। 11 जी, ये गिवन है ना, ये देखो यूनिट लिखे हुए पिछले साल की एक्चुअल प्रोडक्शन है पिछले साल की, यूनिट दिए हुए हैं, ये भी गिवन है पिछले साल की एक्चुअल मशीन आवर पर यूनिट, ये लिखे हुए 6। बल्कि ये तो शायद दोनों सालों के लिए उसने कहा है, 6 ही है दोनों सालों के लिए। जी अगर मैं ये ना भी निकालू ना 4200, तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं। मतलब आप क्या, मैं सर ऐसे करना चाह रहा हूँ, 700 रुपए पर मशीन आवर इंटू 6 मशीन आवर करने से ये ब्रैकेट में फिक्स एफओएच पर यूनिट आ जाएंगे इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट। तो ये फिक्स एफओएच एब्जॉर्ब आए हैं कि एक्चुअल आए हैं? एब्जॉर्ब आए हैं, एब्जॉर्ब। ठीक है, हम दसो पॉइंट की आंदा है, थाउजेंड्स में बताना है मुझे आपने। 48000 ये एब्जॉर्ब है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। पीरियड एंड पे क्या निकलता है? वेरियंस। वेरियंस आपको दिया हुआ है कि नहीं? हाँ जी बताएं जी, वेरियंस आपको दिया हुआ है कि नहीं? 2020 में वेरियंस क्या था? बल्कि पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ वेरियंस का, फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब माइनस फिक्स्ड एफओएच एक्चुअल 2020 के लिए। तो उन दसों की कहना है वेरियंस अंडर था ओवर था, देख लो क्या था, अंडर था ओवर था? कैसे पता चला अंडर है ओवर है? इधर ये साइन देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से, अंडर के लिए माइनस लिखा हुआ है, ओवर के लिए पॉजिटिव लिखा हुआ है, ध्यान से अपना रटा नहीं लगाना जो उसने वहां इंग्लिश में उल्टा सीधा कर देता होता वो। तो माइनस अंडर को शो कर रहे सवाल में, और ओवर क्या है?
650, तो इसका मतलब है ये जो हमारा वेरियंस निकला हुआ है ये ओवर एब्जॉर्ब है, ओवर एब्जॉर्ब है 650। एब्जॉर्ब कितने निकाले हैं मैंने अभी, 48,300। एक्चुअल कितने होंगे ये अब आप देखें। अब ओवर एब्जॉर्ब का मतलब है ये रकम ज्यादा है, ये 48,300 ज्यादा है असल में, एब्जॉर्ब ज्यादा है, एक्चुअल कम रकम निकालनी है आपने। तो अब इसको जरा देखें क्या आता है, मेरा ख्याल है अगर x निकालना हो तो 48,300 माइनस 650 जी, ये कौन से आएंगे जी FOH, बजटेड होंगे एक्चुअल होंगे कौन से होंगे, ये किस साल के हैं, 2020 के, ये तीन रकमें हमने निकाल लिया है इसमें। अभी हमने 2020 के लिए डाटा निकाला है, 2020 के बजटेड आ गए, 2020 के अब्सॉर्ब आ गए, 2020 के एक्चुअल आ गए। अब 2021 के लिए क्या कहता था वो बताते हैं हम। चले ये नोट कर लें, पहले ये नोट कर लें, देखें आपको ये समझ, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता था लेकिन मैंने स्टार्ट ड्यूरिंग और एंड वाला रखा है। हमारा एक जवाब ये है, एक जवाब ये है एक्चुअल, ये वाला जवाब नहीं था 48,300। हमने ये 2020 के लिए किया था, मैंने पहले बजटेड फिक्स्ड एफओएच निकाले, फिर मैंने अब्सॉर्ब निकाले 2020 के, फिर मैंने क्वेश्चन में क्या निकाल लिए एक्चुअल। तो मेरे पास दो जवाब आ चुके हैं। इसी अप्रोच को आपने अब 2021 के लिए भी इस्तेमाल करना है, इसी अप्रोच को आपने किस साल के लिए इस्तेमाल करना है, 2021 के लिए। तो वो क्वेश्चन में क्या कहता है, हाँ जी वो कहता है कंपनी रिवाइजेज इट्स, कंपनी रिवाइजेज इट्स फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच ईयर। कंपनी अपना जो फिक्स्ड ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट है वो हर साल रिवाइज करती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर ईयर्स एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर। किसकी बेस पर, पिछले साल के एक्चुअल एक्सपेंडिचर की बेस पे कंपनी अपना दोबारा रेट रिवाइज करती है। तो इसका मतलब है जब 2021 में रेट निकला होगा जी, 2021 में रेट निकला होगा तो वो क्या निकला होगा आपका, जी 2021 में क्या रेट निकला होगा, 47 डिवाइडेड बाय अगले साल के मशीन आवर कितने थे, 650। तो अगले साल का नया रेट निकल आएगा, ये रकम मेरे पास है ये जी, क्या था नया रेट जी, यही अगले साल के बजटेड भी होंगे ना जो पिछले साल के एक्चुअल जी, 70 एग्जैक्ट, ये अगले साल का रेट है बिल्कुल जैसे यहाँ रेट था, लेकिन इस रेट में रेट दिया था। अब बजटेड हमारे पास है, रेट निकाल लेंगे, एब्जॉर्ब निकाले अगले साल के, छह मशीन आवर इनटू अगले साल की एक्चुअल प्रोडक्शन 10,450। जी जनाब ये एब्जॉर्ब निकल आते हैं अगले साल के ड्यूरिंग द ईयर जी, 441.8 ठीक। इसके बाद वेरिएंस दिया हुआ था हमें, अगले साल का भी वेरिएंस दिया हुआ था, एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल, अगले साल का भी वेरिएंस दिया हुआ था, हाँ जी अगले साल का वेरिएंस अंडर है ओवर है, अंडर है, अंडर का मतलब है ऊपर गलत है, ये कहते हैं ये गलत है जी, दसो की ये 444
सेवन टू, चलो अब पूरी लिख तो नहीं लिख रहे थे हम, चलो ठीक है फिर ये भी पूरा लिखो हम नीचे। हमारे पास जो वेरियंस था वो 400,000 का अंडर एब्जॉर्ब है। अंडर, अंडर का मतलब होता है कि ये कम है रकम और ये ज्यादा है, तो ये 4416,3372 एब्जॉर्ब की रकम एक्चुअल से कम है। एब्जॉर्ब की रकम एक्चुअल से क्या है, तो अब आपको ये रकम ज्यादा निकालनी पड़ेगी एक्चुअल की, तो अब आप ये करेंगे 4416,3372 प्लस 400,000, 416 गलत है, ये दोनों ऐड होंगे बेटा, 4456 ये एक्चुअल है। अंडर ओवर की वजह से देख रहा हूँ, प्लस माइनस के साइन ही। अंडर का मतलब है ये कम लिखी हुई है, ये ज्यादा होगी, एक्चुअल वाली ज्यादा होगी, तो ज्यादा निकालने के लिए ऐड करेंगे जी। 4456,3372 लो जी, उसका जवाब कुछ और है, हमारा कुछ और आ रहा है। हमने क्या गलती तो नहीं कर दी, अच्छा हमने राउंड नहीं ना किया, उसने राउंड कर दिया, 704 ले लिया उसने, हैं 704 ले लिया ना उसने, हमने क्या किया। मैं जरा चेक कर लेता हूँ हमारा और उसका प्रोसीजर अगर सेम है तो छोड़े, दवा मारे उसको। उसने क्या किया है, हमने किया था 704, हाँ 704.36 × 6 मशीन आवर, ये एब्जॉर्ब आ गए थे। उसके वाले हमारे और उसके तरीके में कोई फर्क नहीं है मेरा ख्याल ज्यादा, वजह उसने ये 704, अगर हम भी 704 लें तो वही जवाब आता है हमारा, बट ठीक है सही है, दवा मारो उसको, वो तो साइंस है, साइंस कभी राउंड कर देगा कभी नहीं करेगा। चलो क्या ये आपको पता चले मैंने क्या किया, अब पेपर में कोई मसला नहीं, आप दो डेसिमल ये चार तक लें, राउंडिंग के तो नंबर कोई नहीं करते। उसने प्रोसीजर देखना है आपने क्या किया, जब आपने 704.36 लिखना है, किसी ने 704.355 समथिंग कुछ लिखना है, वो समझ आएगा कि राउंडिंग ऑफ एरर है। हमने देखा ना, अगर ये होता 704 और वहां पे निकला होता कुछ 500-600, या प्रोसीजर ही बिल्कुल डिफरेंट होता, फिर मैं कहता यार मैंने गलत किया। हमने प्रोसीजर भी वही किया ना, देखें उसने, उसने भी डिवाइड वही किया था, सेम सब कुछ वही किया हुआ है, बस उसने किया ये है कि उसने राउंड करके ले गया डाटा, 704 ले गया हमने, 704.36। इसके बाद उसने भी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल मशीन आवर किया है, हमने भी एक्चुअल मशीन आवर किया, ये मतलब 6 घंटे × 10,450। तो अगर आप 704 लेके देखें और वो जवाब टैली कर रहा है आपका, तो बस ठीक है, नो टेंशन, समझ आ रही है आपको। ये इसका पार्ट ए भी किया आपने, पार्ट ए में ये क्या था, बजटेड, ये था एक्चुअल 2021 का, ये था बजटेड और ये था एक्चुअल, वही इस अप्रोच लेके चल रहे हैं, उल्टी कैलकुलेशन हो रही है। अच्छा आगे इनकम स्टेटमेंट बनानी है आपने, इसकी क्या बनानी है, इसे मार्जिनल से बनानी है, अब्सॉर्प्शन से, किस साल की बनानी है, दोनों साल की तो नहीं बनानी, नहीं शुगर है 2021 की बनानी है, तो आपने मार्जिनल कॉस्टिंग से इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो मेरे साथ साथ बनाए, शाबाश आ जाए जी। मार्जिनल कॉस्टिंग से कंपनी का नाम है फ्रांसिस्को, प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल, तो मार्जिनल में कोई वेरिएंस वगैरह कुछ नहीं आता। तो हम लिखेंगे सेल्स रेवेन्यू प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल प्लस वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या कोई वेरिएबल हैं 2021 में, ये सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन टोटल में दिए हुए थे। अच्छा जी,
सेलिंग और एडमिन ये टोटल में थे। अभी आपको क्योंकि दो वॉल्यूम नजर आ रहे हैं तो अब आप हाई चेक करें जरा इसको एक मिनट के, ये पर यूनिट सेम है कि डिफरेंट, नहीं तो हाई लो मेथड से फिर अलग करना पड़ेगा। जब भी दो वॉल्यूम के साथ सेलिंग कॉस्ट आ रही है चेक करो पर यूनिट सेम आ रही है कि डिफरेंट आ रही है। देखें यूनिट चेंज होने से वो चेंज हो रही है, कम यूनिट सेल कम हो रहे हैं तो ये कम हो रही है, बताओ पर यूनिट क्या निकलती है। अगर ये डिफरेंट हुई ना तो इस पर हाई लो लगा के सेपरेट करेंगे हम। चैप्टर वन आ गया, दोनों पर यूनिट सेम है, है? फर्क है ना फिर, हाँ चेंज है। 20 अगर हम पूरी रकम लें 2090000 डिवाइडेड बाय 9950 आप बताओ 2090000 डिवाइडेड बाय 9950 जी, हाँ जी पर यूनिट सेम है डिफरेंट है, बोलते ही नहीं यार, मैं आप ही कैलकुलेशन कर लेना तो चीज चला दे यार, और तुम पता नहीं लगता सेम है कि डिफरेंट है जवानो, मैं आप ही चेक कर लूंगा। डिफरेंट है, जब डिफरेंट है चाहे स्लाइटली डिफरेंट है हाई लो लगेगा इस पे जी। 20900 हाँ जी 50 5025 ठीक है आगे, तो बस फर्क है ना, उन फर्क पै गया है। जब आप पूरा लेंगे तो फिर फर्क तो आ जाएगा, तो 22475000 डिवाइडेड बाय 10500 हाँ फर्क है, काफी फर्क है। तो ये जो आपकी पर यूनिट कॉस्ट चेंज हो रही है इससे पता चल रहा है कि यहाँ जो सेलिंग एडमिन है वो सेमी वेरिएबल है, क्या है इस पे हाई लो लगाओ चलो, और मुझे बताओ इसमें से वेरिएबल सेलिंग कितनी है तो फिक्स सेलिंग कितनी है। चलो हाई लो लगाओ जरा कैलकुलेटर पे या कॉपी पे, फॉर्मेट तो मैं छोड़ रहा हूँ वहीं पे, हाई लो लगाओ चलो शाबाश, क्योंकि ये क्लियर नहीं पता चला था कि ये सेलिंग फिक्स है कि वेरिएबल, क्योंकि दो वॉल्यूम दिए थे तो मैंने चेक कर लिया। अगर ये दो वॉल्यूम ना दिए थे फिर मैंने अजम्पशन लेनी थी, ये वॉल्यूम दिए हुए हैं। हाँ जी हाई लो कैसे लगाते हैं ये आपको पता होना चाहिए, सादा वाला हाई लो, किसी को याद है हाई लो? नहीं याद, याद है अच्छी बात है। हाई लो कैसे लगता है, उसमें पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं, वेरिएबल सेलिंग, वेरिएबल सेलिंग कैसे आएगी, टोटल कॉस्ट एट हाई लेवल माइनस टोटल कॉस्ट एट लो लेवल, हाई वॉल्यूम माइनस लो वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम माइनस लो वॉल्यूम 22745000 माइनस 209 डिवाइडेड बाय 475 है जी, दसो जी की आती है 22 2863 हाँ जी 22475000 माइनस 209000 और चेक कर लो जवानो 10500 माइनस 9950 तो ये आता है 2863.64 जी, मर्जी है मेरी मैं नहीं करना। अच्छा फिक्स कॉस्ट क्या आती है जनाब, फिक्स सेलिंग, तो मैंने वो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स कहा था, तो y क्या चीज है, टोटल कॉस्ट 22475000 फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग आएगी, वेरिएबल कॉस्ट है 2863.64 इंटू 10500 यूनिट्स, तो फिक्स सेलिंग कॉस्ट निकल आएगी, तो 2863.64 इंटू 10500 माइनस 22475000 तो ये आता है 7593, ये फिक्स सेलिंग है और ये
वेरिएबल सेलिंग है, इसका मतलब है क्वेश्चन में वेरिएबल सेलिंग थी। आ जाओ फॉर्मेट से लिखनी पड़नी है जी। और वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास वेरिएबल सेलिंग होगी, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन में से अब हम लेस क्या करेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट। क्या लेस करेंगे टोटल, तो फिक्स्ड एफओएच, फिक्स सेलिंग और एडमिन। चले तो ये आपके पास नेट प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट अंडर मार्जिनल आ जाएगा। अब आपने पहले वो रकमें लिखनी है जो सिंपल फिगर्स हैं, जो आपको रेडीमेड दी हुई है, या सेल क्वेश्चन में दी हुई थी 2021 की, एब्जॉर्प्शन से जो दी होती है सेम वो मार्जिनल में भी आती है। सेल कितनी दी हुई थी, हाँ जी सेल कितनी दी हुई थी, 149250। ये कॉपी करें 149। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल की तो वर्किंग करनी पड़ेगी, जो अभी वर्किंग बनती है। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस में लिख सकता हूँ, वजह यह है कि मैंने अभी वो निकाले हैं वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस 2863, वो ऊपर वर्किंग करके इनटू सेल यूनिट्स। 2021 के सेल यूनिट्स कितने हैं जी, 9950। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन मैं कर सकता हूँ, 2863.64 into, तो मेरे पास आ रहा है 28493। चेक कर लें जरा ये 28493। फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट मेरे पास अगले साल की, जी अगले साल की फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट हमने यहाँ भी निकाली थी, ये 4456, ये वाली एक्चुअल वाली, मार्जिनल में एक्चुअल वाली आती है। तो तीन सिफर कॉमन ले लें, 4453 44। ये मैंने कहाँ से निकाली है, पार्ट ए से, एज पर पार्ट ए। फिक्स सेलिंग एडमिन अभी कितनी निकाली है ऊपर, फिक्स सेलिंग एडमिन ये ऊपर निकाली है अभी, पता नहीं कितनी थी, 7593220। तो 7593। चलो अब सिर्फ क्या रह गई है, तो फिर हमारा सवाल हल हो चुका होगा, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। जी जनाब वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आएगी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आएगी। प्रॉब्लम इसमें यह है कि यहां पर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में मटेरियल लेबर सब अलग-अलग, उसने तो आपको इकट्ठी प्रोडक्शन कॉस्ट दे दिया है, इसके अंदर मटेरियल भी शामिल है, ये जो 94050 इसके अंदर मटेरियल भी शामिल है, इसके अंदर लेबर भी शामिल है, वेरिएबल एफओएच भी शामिल है, फिक्स्ड एफओएच एक्चुअल वाले नहीं शामिल, फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब वाले शामिल है, ठीक है। तो आपने फिक्स्ड एफओएच इसमें से निकाल देने हैं जो वो रेट की मदद से निकले हुए हैं, तो फिर आपके पास वो आ जाएंगे वेरिएबल। तो इसका मतलब है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आएगी, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक और माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग। अब इन सब की वेरिएबल नहीं दी हुई लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट दी हुई है, तो अगर आप ये निकाल लें तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। जी बच्चों बताओ कितनी थी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी, 940। इसमें से अगर मैं फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब माइनस कर दूं जो मैंने अभी निकाले ऊपर 2021 के, 94050 की प्रोडक्शन कॉस्ट है 9। इसके अंदर क्या क्या है, मटेरियल है, इसी के अंदर लेबर है, इसी के अंदर वेरिएबल एफओएच है, इसी के अंदर फिक्स्ड एफओएच अब्सॉर्ब्ड है। अगर मैं इसमें से फिक्स्ड एफओएच अब्सॉर्ब माइनस कर दूं 2021 के, फिक्स्ड एफओएच अब्सॉर्ब यहां पे निकाले थे हमने 2021 के 44163, तो मेरा ख्याल है 44163 कहूंगा बस मैं, 44
ये आपके फिक्स्ड है, फोर्च एब्जॉर्ब थे जो मैंने ऊपर पार्ट में निकाले हैं। 94050 एब्जॉर्ब 44163 तो 49887। जी बताएं जी बेटा, ऐसे ही था। अच्छा, ओपनिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट क्या थी बताएं जी? ओपनिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट क्या थी? ओपनिंग पिछले साल से आता है ना, वो दिया हुआ था। ओपनिंग की कॉस्ट कितनी दी हुई थी टोटल? यानी इन सब में से फिक्स माइनस करते जाओ, सब में से क्या माइनस करते जाओ तो आपके पास वेरिएबल आ जाएगी। तो भाई ये जो आपके पास ओपनिंग की कॉस्ट 31,000 दी हुई है, 31,000 है ना, तो इसमें भी तो पिछले साल के फिक्स एफओएच एब्जॉर्ब शामिल है। तो इसका मतलब है ये 31,000 रुपए माइनस पिछले साल की फिक्स एफओएच एब्जॉर्ब, इसमें कितने शामिल होंगे? एक यूनिट का फिक्स एफओएच एब्जॉर्ब कितना था पिछले साल? 4200 रुपया। कितना था? 4200 रुपया था ना पर यूनिट। ये टोटल नहीं ले सकता एब्जॉर्ब, क्योंकि ये तो पूरे यूनिट्स के थे। अब हमारा पिछले साल एक यूनिट के फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब थे 4200 रुपए पर यूनिट, और मेरे क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक के जो यूनिट्स थे, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट कितने थे जनाब? ओपनिंग स्टॉक के बार बार ऊपर जाना पड़ता है, बड़ा मसला है। 3500, यानी 3500 यूनिट के जो एब्जॉर्ब बनेंगे, 3500 यूनिट के वो एब्जॉर्ब इसमें से माइनस कर लें। ये 31,000 3500 यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसमें से फिक्स माइनस कर दें तो बाकी वेरिएबल आ जाएंगे। 147 16300 जनाब, चेक करें, मेरे पास तो 16300 आ रहा है। 16, मुझे ये बताएं कि ये जो 31,000 थी, ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट थी, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट थी? जहां जहां फुल कॉस्ट है वहां वहां उन यूनिट्स की फिक्स माइनस कर दें तो वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी वो। क्लोजिंग स्टॉक बताओ भाई, क्लोजिंग स्टॉक की कितनी कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई थी? 36,000। देख लेना, इसमें से जो अगले साल के फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब थे, हमारा अगले साल का रेट था 704.36 इंटू 6 घंटे, 704, तो मैं ले रहा था 422 क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से जरब दे दें 4,000। अभी सवाल सामने होना बड़ा जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता ना मैं कहाँ से ले रहा हूँ चीजें, इवन पार्ट ही होना जरूरी है कि मैंने पता है कहाँ से निकाला है 4226। एक्चुअली ना मेरे पास अगले साल के ये रेट था एब्जॉर्प्शन का, ये 704.36 इंटू मैंने किया 6, तो ये फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब मेरे पास आगे पर यूनिट इंटू 4,000 यूनिट्स, 4,000 थे ना स्टॉक में यूनिट, तो 36,000 माइनस 422.16 इंटू 4, 19095.36। बट ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक लेस करें, ओपनिंग ऐड करें तो ये आपके पास वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। ये तीन रकमें बस आपने देखनी है कि मैंने कैसे ली है, इनके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी तो सवाल में कुछ नहीं था। बाकी सवाल तो तरतीब से आपने करना है, ये सवाल जरा जाके दोबारा करना है क्योंकि इसकी तरतीब बड़ी उल्टी सीधी है, ये सीधा सीधा वैसे सवाल नहीं है। और आजकल ऐसे ही उल्टे सीधे सवाल आते हैं, उसमें से ये माइनस करो, उसमें से ये माइनस करो। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो कर सकता है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो परेशान हो गया कि मैंने किया क्या है। मैंने हर एक की प्रोडक्शन कॉस्ट लिया और उसमें से उससे रिलेटेड उसके फिक्स्ड एफओएच क्या करता जा रहा हूँ, और टोटल प्रोडक्शन के फिक्स्ड एफओएच थे ये, ओपनिंग इन्वेंटरी के फिक्स्ड एफओएच माइनस किए हैं ये मैंने, क्लोजिंग इन्वेंटरी के फिक्स्ड एफओएच माइनस किए हैं ये कौन से है 4200 और 4226, वो पिछले साल का फिक्स्ड एफओएच का रेट पर यूनिट है, ये अगले साल का फिक्स्ड एफओएच का रेट पर यूनिट है, इंटू यूनिट्स किया ताकि फिक्स्ड एफओएच रिलेटेड टू इन्वेंटरी लेस हो जाए।
तो इसको जरा एक दफा दोबारा जाके आपने करना है और नेक्स्ट टाइम फिर मुझसे पूछना कोई मसले मसाइल होंगे, ठीक है। अब आपका आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क वही सवाल है जो आपको पहले दिए हुए थे, उनको सारों को हल करें और ये वाले सवाल को भी दोबारा करें। दिखाएं जरा कितने सवाल रहते हैं नोट्स में, कितने सवाल रहते हैं जी। सवाल नंबर 10 एक ऐड कर लें, सवाल नंबर 10 भी बिल्कुल ऐसे ही है, सवाल नंबर 10 ऐड कर लें। कौन सा सवाल? बस एक 10 ऐड कर लें। मैंने जो अभी एक सवाल करवाना है बस वो मैंने करवाना है सवाल नंबर 7, वो बड़ा मुश्किल सवाल है, सवाल नंबर 7 करवाना है जो कि हैवी सवाल है। बाकी सवाल मैंने नहीं करवाने बल्कि डिस्कस करूंगा जो मसाइल होंगे आपके। मैंने अब आपको मंडे को जो करवाना है वो क्वेश्चन नंबर कौन सा करवाना है? 7। लेकिन उसके अलावा बाकी सवाल आप जरा देखें ना, आपकी मेहरबानी जरा इसको कर लेना, ये ना हो कि आपको मुश्किल हो। इस चैप्टर में मुश्किल से 2-3 अजम्पशन ही चल रही है। पहली, अगर आपको फिक्स्ड एफओएच क्वेश्चन में एक दी हो तो वही बजटेड है, वही एक्चुअल है। दूसरी बात, वेरिएबल एफओएच का वेरियंस जब तक ना कहे नहीं निकालना, फिक्स्ड एफओएच का हमेशा निकाल के दिखाना है, ठीक है। तीसरी बात, सेल यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स या यूनिट्स का डाटा मिसिंग हो तो वो फॉर्मूला एक बताया मैंने आपको। तीसरी बात ये थी। चौथी बात ये थी कि अगर आपको एब्जॉर्प्शन से स्टेटमेंट बना के दी हुई है तो उसमें से फिक्स माइनस करते जाओ, वेरिएबल आ जाएगी, वो ये काम ये सवाल में किया। चलो बस अगर हम राउंड कर लेते ना ये 704 तो हमारा एग्जैक्ट आंसर उससे मैच करता जाता किताब से, मतलब आई कैप के आंसर से। चले बस, ओके, अल्लाह हाफिज। कोई इनको सवाल दिए असाइनमेंट के तौर पर, वो दे दिए एबीसी के सवाल मिले होंगे आपको, उनकी तरतीब उल्टी पुल्टी है। और ये जरा सवालों की तरतीब देख लेना क्या आपको समझ आ रहा है। जो जीसी के नाम से सवाल है दिखाओ जरा, जो पहले सफे पे है एग्जाम्पल 9.3 वो बिल्कुल सही है, जो दूसरे सफे पे एग्जाम्पल 9.4 है वो भी ठीक है, ठीक है। तीसरे सफे पे लिनेकर है वो भी ठीक है, उसके नीचे जो पार्ट लगा हुआ है तीसरे सफे पे, वो अगले सफे पे जो जीसी का सवाल है उसका पार्ट भी लगा, मतलब उसका बाकी हिस्सा लगा हुआ है यहाँ पे, यानी असल सवाल ये आखिरी सफे वाला जो है ये नामुकम्मल है, उसका बाकी पोर्शन आपको किस सफे पे मिलेगा, ये पेज नंबर 3 के बॉटम पे, ठीक है। तो वो आपको फॉर्मेट और रिक्वायरमेंट से पता चलेगा क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ही कोई नहीं नजर आ रही जीसी की। तो ये सवाल एबीसी के हैं जो एक्स्ट्रा कर लें जरा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। 3 सवाल तो आसान है, ये जो चौथा जीसी है ये थोड़ा टेक्निकल है, इनके सोल्यूशन ही देने पहले आप करो, खुद करो पहले इसको असाइनमेंट, फिर बताएंगे सॉल्यूशन।